और बात करते हैं जालना की, जहां पर जालना में मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों पर पुलिस के किए गए लाठीचार्ज के विरोध में बुढ़ाड़ा में महाविकास आघाड़ी की ओर से राज्य सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया है। कई जगहों पर राज्य सड़कों पर जाम भी लगा दिया है। वहीं मराठा मोर्चा ने कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया है। मराठा मोर्चा के लोगों का कहना है कि सरकार को इस मामले में पुलिस जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही मराठा मोर्चा ने उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने की मांग की है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों में महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ता और मराठा मोर्चा के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के बारे में जो उद्रेक चल रहा है, पिछले गत 57 मोर्चे महाराष्ट्र में निकाले गए, वो पूरे डेमोक्रेसी की अप्लाई की गई, कहीं भी घटना ऐसी घड़ी नहीं। लेकिन कल परसों जालना में जो हंगर स्ट्राइक को मराठा रिजर्वेशन के बारे में लोग बैठे थे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होके वहाँ पुलिसों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, ये निंदनीय घटना पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इस घटना का निषेध हम लोग कर रहे हैं। मेकर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आज रास्ता रोको आंदोलन हमने यह किया है और मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो 16% रिजर्वेशन है वो मराठा समाज को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर के जो आंदोलन अभी शुरू है महाराष्ट्र मराठा को आरक्षण देने के लिए, जो आंदोलन ये महाराष्ट्र में शुरू है, उसका उद्रेक जो है वो जालना के घटना से हुआ है। जालना में शांतता के वजह से आंदोलन वहाँ चालू था, कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई वहाँ कोई दंगा हुआ नहीं, कुछ नहीं। मगर कुछ तो भी इंडिया का जो मुंबई में मीटिंग हुई उसका प्रसाद जो है वो सब देश में और महाराष्ट्र में हुए, और महाराष्ट्र में उसका एक अच्छा एक मैसेज जाने की वजह से ये मनुवादी शासन ने ये सब कुछ किया है। ये शासन जो है ये मराठे के अगस्त में है, हर समाज के अगस्त में है। ये जातिवादी मनुवादी शासन है, ये शासन नहीं चाहती कि ये